हिमाचल में लंबे वक्त से कोरोना वॉरियर्स अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हाल ही में उन्हें प्रदेश के मुखिया से आश्वासन मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जोरावर स्टेडियम में कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय प्रदेश में सरकार के पास मात्र 23 करोड़ रुपए ही बचे हैं। अब इस महीने की सैलरी देने का इंतजाम भी सरकार को ही करना है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के पैकेज में कटौती की, हम केंद्र सरकार से उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप हमारे अपने हैं, इस समस्या को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर केंद्र से ठीक मदद मिलती है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने दिया कि जो हमारे दायरे में है और जो हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर होगा उसको हम करेंगे, और इनकी बातें भी जायज है, पर सभी जायज बातों को थोड़ा ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मेरी कोशिश है कि इनकी जो समस्या है उसको किसी न किसी प्रकार से समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, ये कोरोना वॉरियर्स जोरावर स्टेडियम में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इन कर्मियों को सरकार ने कोरोना के दौरान रखा था और इन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। से स्टाफ हूँ सर, इस सरकार ने सच में मतलब हमें बड़ा रुलाया है, क्योंकि जब कोविड आया था तब मतलब एक दूसरे से आदमी इकट्ठा नहीं होते थे, तब इन लोगों ने हमारे से ड्यूटियाँ ली। अगर ऐसा ही था तो सरकार ने हमें क्यों रखा था? अगर सर इस टाइम कोविड चला गया उसके बाद इन्होंने सीधा हमें बाहर निकाल दिया। 3 महीने हो गए ना हमें सैलरी दी है, बस आश्वासन दिए जाते हैं कि बस आज कर देंगे, पॉलिसी बना रहे हैं, कहाँ गई इनकी पॉलिसी? सरकार भी हम ही बनाते हैं और हरास भी सरकार हमें ही करती। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जोरावर स्टेडियम में खड़े इन कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की और उनके लिए आगामी भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात भी कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें 3 महीने से लंबित वेतन को देने की भी बात कही। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।